वेलकम बैक एवरीवन हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है बस वो है न्यूक्लियस लेट्स स्टार्ट न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द रॉबर्ट ब्राउन जो न्यूक्लियस एज अ ऑर्गेनली सबसे पहले किसने बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था एज अर्ली एज एटीन कब बताया था अप्रॉक्स एटीन का टाइम था, था उस टाइम पर लेटर द मटीरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाइज वॉज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय द फ्लैमिंग बाद में जो न्यूक्लियस का मटीरियल था अंदर का उसको क्या क्या है स्टेन किया गया किस से बेसिक डाई से तो ये याद रखना है कौन सी डाई इस्तेमाल की गई थी यहाँ पर बेसिक डाई और फिर उसको नाम दिया गया उसके अंदर की मटीरियल को क्रोमेटिन और किसने दिया था वो फ्लैमिंग ने द इंटरफेज न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग इंटरफेज़ कौन सी वो फेज़ होती है सेल की साइकिल की जब न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड नहीं करता सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है हम उसे बोल सकते हैं तो इंटरफेस वो फेज़ होती है तो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल सेल का न्यूक्लियस उस टाइम का जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलेबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल क्रोमैटिन उस टाइम पे उसके पास जो ये न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड और इलेबोरेट फॉर्म में होते हैं जिसे कहा जाता है क्रोमैटिन न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन मोर स्पेरियर स्फेरिकल बॉडी कॉल न्यूक्लियोलाई और क्या, क्या क्या होती है उसके पास भी न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है और एक और स्फेरिकल बॉडी मिलती है इसके अंदर दैट इज़ न्यूक्लियोलाई सिंगल में उसे सिंगुलर फॉर्म में न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं ये जो है इन्होंने रिप्रेजेंट करी है इसी को हम न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाय बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ वील दैट जो न्यूक्लियर एनवलप है न्यूक्लियर एनवलप जिसको कवर करके रखता है न्यूक्लियस को विच कंसिस्ट ऑफ टू पैलर मेम्ब्रेन विद अ स्पेस बिटवीन कि यहाँ पर ये जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे जिसको कवर करके रखती हैं वो डबल मेम्ब्रेन होती है और उसके बीच में यह स्पेस होता है कितना स्पेस होता है टेन टू फिफ्टी नैनोमीटर का जिससे हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या कहा जाता है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटीरियल प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म और क्या काम है इसका जो ये बनता है पैरी न्यूक्लियस स्पेस होता है और ये बैरियर बनाता है कि जो भी मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जो ये सेल है हमारा ये जो सेल है और जो यहाँ पे फिर ये जो साइटोप्लाज्म है इसके बीच में बैरियर बनाते हैं ये ये हमारा साइटोप्लाज्म है इधर द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूस विद द एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम अभी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी यहाँ पर क्या मिलेगा हमें एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा उसके कंटिन्यूस में होती है हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो पढ़ रहे थे उसके टाइम पर भी पढ़ा था एंड ऑल्सो बियर राइबोजोम्स और जो एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा उसके पास क्या होता है राइबोजोम्स होते हैं एट ए नंबर ऑफ अ स्पेसिस नंबर ऑफ प्लेस बहुत सारी जगह पे जो न्यूक्लियर एनवलप है वो इंटरप्टेड होता है छोटे छोटे पोर्स से मतलब यो न्यूक्लियर एन्वलप है यहाँ पर क्या मिलेंगे तुमको ऐसे छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे यहाँ पे जगह जगह पे, विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन और कैसे बनता है जहाँ पे ये दो मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर जाती हैं वहाँ पे क्या मिलते हैं ये हमें स्पेसिस देखने मिलते हैं पोर्स देखने मिलते हैं जहाँ पे ये दो मेम्ब्रेन इसकी फ्यूज़ कर जाएंगी दीज न्यूक्लियर पोर आर पैसेज थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ आर एन एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्मा अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियर पोर है इनका सिग्निफिकेंस क्या है क्यों प्रेजेंट है ये इसलिए प्रजेंट होता है ताकि क्या हो सके वहाँ से आर एन ए का और प्रोटीन मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो सके दोनों डायरेक्शन में न्यूक्लियस के अंदर भी और न्यूक्लियस के बाहर भी मतलब साइटोप्लाज्मे भी तो इनका काम क्या है यहाँ से आर एन ए और प्रोटीन का मूवमेंट कराना दोनों डायरेक्शन में इन एंड आउट दोनों साइड आर एन ए प्रोटीन नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल ज्यादातर क्या होता है एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस मिलता है वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व लेकिन वेरिएशन भी ऑब्जर्व की गई है कि कई ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने मिलता है कैन यू रिकलेक्ट सम नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस एज पर सेल्स क्या आपने ऐसे देखे हों एक से ज्यादा न्यूक्लियस सम मेच्योर सेल्स इवन लाइक न्यूक्लियस और कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ न्यूक्लियस नहीं होता जैसे कि हमारे आर बी सीज इरेथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी एंड द सीव ट्यूब सेल्स ऑफ़ द वेस्कुलर प्लांट्स तो ये ऐसे दो चीज़ें देखो तो सीव ट्यूब के पास भी उसका न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि तभी उसके क्लोज एसोसिएशन में कम्पेनियन सेल्स होते हैं और उसके न्यूक्लियस से वो सेल क्या करते हैं अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ऐसी तो कैसे कौन से दो सेल्स हो गए जो ई e न्यूक्टेड हो गए आर बी सी और सी ट्यूब सेल्स ये क्या होते हैं ई न्यूक्टेड होते हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं मिलता वो ड्यू कंसिडर दिस सेल्स इज लिविंग और नॉन लिविंग अब तुम उन्हें क्या कंसिडर करोगे देखो जो आर बी सीज हैं ना हमारे उनके मेच्योर फॉर्म में वो नहीं मिलता है द न्यूक्र मैट्रिक्स और द न्यूक्रो प्लाज्म अब जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोल दो या न्यूक्लियो प्लाज्म दोनों एक ही बात है न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ यहाँ पर मिल रही थी हमें सब्सटेंस उसको तुम न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलो या न्यूक्लो प्लाज्म बोलो उसके पास क्या होता है न्यूक्लियोलस होता है यहाँ पर और क्रोमाटिन होता है तो यहाँ पर क्या है इसके मैट्रिक्स में न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमेटिन द न्यूक्लियोलाय यही न्यूक्लियोलस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियो में अब इसी को न्यूक्लो प्लाज्म गया है मेट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है न्यूक्लियो सेल के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियो प्लाज्म बोल दो या फिर मेट्रिक्स बोल दो द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज द कंटिन्यूस विद रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियो अब जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट है वो इसके साथ में होता है क्योंकि इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर क्योंकि ये कैसा है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है कैसा है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस अब क्वेश्चन पूछने की न्यूक्लियो जो न्यूक्लियोलस है इसका काम क्या है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है क्यों प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर क्या काम है इसका कि क्या करवाता है यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस कराता है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए एन सिंथेसिस कहाँ पर होता है न्यूक्लियोलस में एक्टिव मतलब एकदम भरपूर मात्रा में हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है अब राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस है तो क्या करेगा उस फिर वो आगे जाके प्रोटीन बनाएगा तो न्यूक्लियोलस का ये सिग्निफिकेंस है लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लाय आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग और प्रोटीन सिंथेसिस बड़े और ज्यादा न्यूक्लाय कहाँ प्रेजेंट मिलेंगे उस सेल में मिलेंगे जहाँ पे एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व होगा जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भरपूर मात्रा में होता होगा वहाँ पे न्यूक्लोलाये हमें लार्ज और ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे यू मे रिकॉर्ड दै द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड डिस्टिंग नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल क्रोमेटिन अभी हमने पढ़ा था जब इंटरफेज होती है तो उसके पास क्या मिलता है एक इलेबरेट लम्बा एक्सटेंडेड फॉर्म में एक फाइबर्स मिलते हैं जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है उन्हें क्रोमेटिन कहा जाता है लेकिन बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ सेल डिविजन और सेल डिवीजन की डिफरेंट स्टेजेज आती हैं तो सेल केयस तो सेल कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है हमें क्रोमोजोम करता है इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस क्रोमैटिन कंटेंट्स डी एन एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल हिस्टोन्स क्या कह रहे हैं अब जो क्रोमैटिन होता है उसके पास क्या मिलता है डीएनए मिलता है और क्या होता है उसके पास कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हिस्टोन्स कहा जाता है कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं एंड आल्सो आरएनए और आरएनए एन भी होता है अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली टू मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डी एन अगर हम बात करें सिंगल ह्यूमन सेल की तो उसके पास कितना लंबा दो मीटर लंबा डी एन ए का थ्रेड होता है जो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग फोर्टी सिक्स यानी ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है टू मीटर लॉन्ग हमारा डी एन ए यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डी एन ए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम इन क्लास ट्वेल्थ नाउ एवरी क्रोमोजोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल जो क्रोमोजोम है आपको एक क्वेश्चन पूछ ले कि तुम्हें क्रोमोजोम हर सेल में दिख जाएगा नहीं क्या दिखेगा जो क्रोमोजोम्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं लेकिन दिखते नहीं है क्रोमोजोम सिर्फ तभी दिखते हैं जो डिवाइडिंग सेल है एवरी क्रोमोजोम विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल्स एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमेयर ऑन द साइड्स ऑफ विच disc शेप स्ट्रक्चर कॉल कैनेटो are present। अब ये कह रहे हैं हर एक क्रोमोजोम विजिबल होता है जो क्रोमोजोम होता है कब विजिबल होता है डिवाइडिंग सेल में होता है और हर एक क्रोमोजोम के पास एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसे क्या कहा जाता है सेंट्रोमेयर कहा जाता है ऑन द साइड ऑफ विच जिसके साइड्स में एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कानेटोकोर कहते हैं सेंट्रोमेयर होल्ड्स टू क्रोमैटेड एट ऑफ अ क्रोमोजोम सेंट्रोमेयर काम क्या है क्रोमेटेड को ये 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 देखो एक है है इसका और ये दूसरा है. अब इनको जो होल्ड करके रखा है यहां है हमारा सेंट्रोमेयर और इसके साइड में जो डेस्क शेप से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहा जाता है कानीटोकोर सेंट्रोमेयर होल्ड करता है दो क्रोमैटेड ऑफ क्रोमोजोम को वही कहा है सेंट्रोमेयर का काम क्या है क्रोमोजोम के क्रोमेटेड को होल्ड करके रखना बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमेयर सेंट्रोमेयर की पोजिशन के बेसिस पे ही जो क्रोमोजोम है उनको क्लासीफाई किया गया है चार टाइप्स में फोर टाइप्स में सबसे पहला आता है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम इसमें क्या होगा जो सेंट्रोमेयर होगा बिल्कुल मिडिल में मिलेगा ये एक क्रोमोजोम और ये दूसरा क्रोमोजोम तो ये बिल्कुल यहाँ मिडिल में मिलता है और ये इक्वल आर्म्स में डिवाइड होता है तो ये होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम फॉर्मिंग द टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम फिर आता है सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोजोम सब मेटाट्रिक क्रोमोजोम क्या होता है जो सेंट्रोमेयर है स्लाइटली अवे थोड़ा सा दूर हो जाता है किससे सेंटर से द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोजोम रिजल्टिंग टू वन शॉर्टर आर्म एंड लॉन्गर आर्म तो कैसे बनता है ये जो यहाँ पे शो किया गया है ऊपर डायग्राम में इसे मान लो तुम ये मेटासेंट्रिक है इक्वल है और ये यहाँ जो मैंने ड्रॉ करा था ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था तो एक शॉर्ट आर्म बन गई एक लॉन्ग आर्म बन गई तो ये बन जाता है सब मेटासेंट्रिक इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक अगर हम बात करते हैं अब किसकी एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है इन केस ऑफ़ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम जो सेंट्रो में रह एकदम क्लोज एक एंड के बिल्कुल क्लोज में चल जाता है और एक बहुत शॉर्ट और एक बहुत लॉन्ग बन जाती है कैसे अभी बात करते हैं मान लो सेंट्रो में बिल्कुल यहाँ से ड्रा करते हैं सही से मान लो ये क्रोमोजोम है पूरा ऐसे बिल्कुल एक इधर एंड की तरफ चला जाए तो एक एक्सट्रीमली शॉर्ट बन जाती है और एक एक्सट्रीमली लॉन्ग बन जाती है तो ये हो जाता है हमारा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम अब वहीं पे कह रहे हैं टीलो क्या होता है टर्मिनल सेंट्रो में मतलब उसमें ये दूसरी आम तुम्हें दिखेगी नहीं बिल्कुल ऐसी हो जाएगी ये ये क्या हो जाएगा टीलो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल टर्मिनल पे पहुंच जाएगा सेंट्रोमेर तो तुम्हें एक काम वहाँ पे दिखाई नहीं देगी दैट इज टीलो सेंट्रिक क्रोमोजोम ये देखो यहाँ नीचे दिखाई भी गए ये इधर बिल्कुल यहाँ ऐसे प्रेजेंट होगा इधर ऐसे प्रेजेंट है सेंट्रोमेयर सेंट्रोमेयर सेंट्रोमेर दिखाए गए हैं तो टाइप्स ऑफ क्रोमजोम जब इक्वल बने दैट इज मेटासेंट्रिक थोड़ा अनइक्वल बने डेट इज सब मेटासेंट्रिक और एक बिल्कुल यहाँ पे ये यह कैसे हो गए एक्रोसेंट्रिक होगा ये दोनों ये दोनों एक्रोसेंट्रिक के एग्जांपल हैं क्योंकि यहाँ पे टीलो सेंट्रिक का दिया नहीं गया टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल क्या होगा टर्मिनल पर तो पहुँच जाएगा और हमें दूसरी आंख दिखाई नहीं देगी तो ये है ये है मेटासेंट्रिक ये है सब मेटासेंट्रिक ये है ये दोनों है एक्रोसेंट्रिक और ये है हमारा टीलोसेंट्रिक और ये क्या होती है सैटेलाइट और ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और उसके में दो शेप से स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होंगे उन्हें कहा जाता है तो और ये क्रोमोसोम्स की जो क्लासिफिकेशन है किस पे है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेट कि सेंट्रोमेट की पोजीशन क्या है समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोजोम कई बार क्या होता है जो कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं उन पर नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिलता है एक कांस्टेंट लोकेशन पे और दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल सेटेलाइट जो भी हमने देखा कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिलता है और उसे क्या कहते हैं हम सेटेलाइट जैसी वो वहाँ पर ऐसे ही लुक देता है दैट इज सेटेलाइट ये क्या है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है और कुछ क्रोमोजोम्स में देखने मिलता है और कैसा है ये नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये हमें याद रखना है स्टेनिंग नहीं है नॉन स्टेनिंग है और एक कांस्टेंट लोकेशन है इसकी ये वेरिएबल नहीं है इसकी लोकेशन ना माइक्रोबॉडीज माइक्रोबॉडीज़ क्या है मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वैसिकल्स कॉल माइक्रोबॉडीज डेट कंटेन वेरियस एनजाइम्स आर प्रजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स कि बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स मिलते हैं जिन्हें माइक्रोबॉडीज़ कहा जाता है उनके पास वेरियस एनजाइम्स होते हैं जो दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में ही प्रजेंट होते हैं अब चलते हैं इसके समरी की तरफ जित अब क्योंकि हमें हम देखना है कि समरी से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी इसलिए हम इसकी हर चैप्टर की समरी भी पढ़ते हुए चलेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं सेल्स के बने हैं है और एग्रीगेट्स ऑफ सेल सेल वेरी करता है शेप में साइज में एक्टिविटीज में फंक्शंस में बेज ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड द अदर ऑर्गेनली सेल हेंस ऑर्गेनिज्म कैन बी नेम्ड एज यू कैरियोटिक एंड प्रो कैरिओटिक अब किस बेसिस पे कि वहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है प्रेजेंट है तो वो है यू कैरिओटिक नहीं है तो वो है प्रो कैरिओटिक तो हमने किस चीज पर कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है कि नहीं है दूसरे ऑर्गेनलीस सेल्स में प्रेजेंट है कि नहीं है इस बेसिस पे हमने उनको ऑर्गेनिजम को दो कैटेगरी में बांट दिया यू कैरिओटिक एंड प्रो कैरिओटिक यू कैरियोटिक वो होते हैं जहाँ पर क्या मिलता है वेल मेबरन बाउंड न्यूक्लियस मिलता है और दूसरे भी मिलते हैं प्रो वो है

द प्लाजो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को प्लाजो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है ये कैसी होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और क्या कराती है फेसिलेट कराती है ट्रांसपोर्ट का बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कि उसके साथ उससे क्या होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं अब जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आ गया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन आते हैं ई आर एंडो रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल्स जितने भी सेल ऑर्गेनली हैं परफॉर्म करते हैं डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शंस अलग अलग लेकिन खुद का स्पेसिफिक फंक्शन होगा कि वो कोई और काम कोई और नहीं कर सकता अब जो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल है फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला डेथ फेसिलिटेट द लोको तो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या है दोनों क्या बना सेंट्रोजोम और सेंट्रोल क्या बनाते हैं बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया और फ्लैजिला की और हमने वहाँ भी पढ़ा था स्पिंडल फाइबर्स की भी बनाते हैं जब हमने ये पढ़ रहे थे सेंट्रोजोम और सेंट्रोल और क्या करते हैं ये लोकोमोशन में हेल्प कराते हैं इन एनिमल सेल्स की बात करें तो सेंट्रियोल ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्पेंडल अप्रेटर्स आगे वही बात तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियस कंटेंस अ न्यूक्लाय न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है न्यूक्लाय होता है क्रोमाटिन का नेटवर्क होता है इट नॉट ओनली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनली बट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन हेरिडिटी जो न्यूक्लियस का काम है सिर्फ ऑर्गेनलीज की इन सब की एक्टिविटी को कंट्रोल करना ही नहीं है इसका मेजर रोल हेरिडिटी में भी है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास क्या मिलता है टिब्यूल्स और सिस्टर्नी मिलते हैं सिस्टर्नी का मतलब ही होता है सिर्फ टिब्यूलाइक स्ट्रक्चर्स दे आर ऑफ़ टू टाइप्स दो टाइप्स के एंडो रेटिकुलम होते हैं हमें पता ही है रफ एंडो रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ और सिस्टनी टू कंसिस्टिब्यूल रफ एंड स्मूथ ईआर हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस में लिपो प्रोटीन्स में एंड ग्लाइकोजन देखो अब यहाँ हमें क्या अलग चीज देखने मिली ग्लाइकोजन कि वो ग्लाइकोजन का भी सिंथेसिस कराता है कौन ई आर द गोल्जी बॉडी इज अ मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनली कंपोज ऑफ फ्लैट एंड सेक्स क्या है इसके पास ये गोल्जी बॉडी क्या है एक ये भी मेमरे बाउंड ऑर्गेनली है और इसके पास क्या है फ्लैट एंड सेक्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं द सिक्रीशन द सिक्रीशन ऑफ द सेल्स आर पैक्ड इन दैम इनका काम क्या है मेन फंक्शन पैकेजिंग होता है जो भी सेल के सिक्रीशन है इनके अंदर पैक होता है फिर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम द सेल लाइक अब ये ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है कि सेल के सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट कराना है या सेल के बाहर कराना है दैट इज इंट्रा सेल्युलर और इंटर सेल्युलर ट्रांसपोर्ट नाउ लाइजोजोम्स लाइजोजोम्स क्या है लाइजोजोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इनके पास क्या है एंजाइम्स हैं डाइजेशन के लिए सारे टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स के और जो हमारे क्या थे लाइजोजोम्स वो गोल्जी बॉडी से ही बन रहे थे अब हम आते हैं राइबोसोम्स में राइबोसोम किसमें में इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में और ये फ्रीली मिलते हैं साइटोप्लाज्म में तो राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस दीज अकर फ्रीली इन द साइटो प्लाज्म और इन एसोसिएट विद ई आर खाली साइडटो प्लाज्म में पड़े रहते हैं ई आर के साथ एसोसिएटेड होते हैं और दो ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं जहां पर इनका खुद का राइबोजोम होता है डट इज माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लाज आ गया अब हम माइक्रोकॉन्ड्रिया पे माइट्रोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन ऑफ एडिनोसेंट ट्राइफॉस्फेट अभी हमने क्या पढ़ा था इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एटीपी एनर्जी जनरेट होती है और क्या करता है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमने पढ़ा था ये किसकी साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है माइट्रोकोंड्रिया में और समय पढ़ने से एक फ़ायदा और होता है कि हमारा पूरा चैप्टर हमें रिकॉल हो जाता है अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आई तो हम वापस जाके देख सकते हैं कि अच्छा ये पार्ट मिसिंग है तो ये मुझे पढ़ना है दे आर बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन एंड ये अब कैसे मेम्ब्रेन बाउंड होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन कौन से मिले माइक्रोकॉन्ड्रिया मिला क्लोरोप्लास्ट मिला और न्यूक्लियस मिला ये सब क्या है डबल मेम्ब्रेन है माइक्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड द न्यूक्लियस कहा दे आर द बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन अब जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है स्मूथ है इनर मेम्ब्रेन इनर वन जो है अब अंदर वाली फोल्ड इनटू टू सेवरल सिस्टर्नी देखो ऐसे स्ट्रक्चर था ना कुछ हम माइक्रोकॉन्डिया का जो पढ़ रहे थे ये आउटर मेम्ब्रेन थी फिर ये इसकी इनर मेम्ब्रेन थी और इनर मेम्ब्रेन ही ऐसे फोल्ड्स बना रही थी अंदर दैट इज सिस्टरनी तो वही लिखा है इनर मेम्ब्रेन कंटिन्यूएशन करती है और क्या बनाती है सिस्टरनी क्रिस्टाई बनाती है अब हम चले गए प्लास्टिड्स पे प्लास्टिड्स आर द पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनलीज प्लास्टिक क्या है पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनलीज है फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली कहाँ मिलेंगे सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलेंगे इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट में क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है लाइट को ट्रैप करने के लिए और फोटोसिंथेसिस कराने के लिए अब क्लोरोप्लास्ट में भी ग्रहणा है इन द प्लास्टिक इज़ द साइट ऑफ़ लाइट रिएक्शन एंड द स्ट्रोमा ऑफ द डार्क रिएक्शन देखो अब ये बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं जब फोटो सिंथेसिस पढ़ते हैं तो इन्होंने यहाँ पहले ही मैंशन किया है जो ग्रैना है प्लास्टिक में वो किसकी जिसके लिए है वो लाइट रिएक्शन करवाती है और इस्ट्रोमा में क्या होता है डार्क रिएक्शन होता है ये जैसे हम याद करते हैं एल जी डी एस एल जी डी एस एल जी मतलब लाइट रिएक्शन जी फॉर ग्रैना डी फॉर डार्क रिएक्शन एस फॉर स्ट्रोमा द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट और जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड क्या है क्लोरोप्लास्ट है जिसके पास क्या मिलेगा क्लोरोफिल मिलेगा वेरस वहीं पर जो दूसरे कलर प्लास्टिड हैं जैसे कि क्रोमोप्लास्ट उसके पास कौन से पिगमेंट मिलते हैं लाइक कैरोटिन एमजेंटोफिल और कैसे थे ये फैट सोल्यूबल द न्यूक्लियस अब हम चलते हैं फिर न्यूक्लियस की तरफ द न्यूक्लियस इज कंक्लोज बाय द न्यूक्लियो एनवलप न्यूक्लियस को न्यूक्लियर एनक्लोज करके रखता है वो भी कैसा है डबल मैंब्रेन स्ट्रक्चर है उसके पास न्यूक्लियर पोर्ट्स है न्यूक्लियर पोर्ट्स कैसे बन रहे थे जहाँ पर दो मेम्ब्रेन फ्यूज कर रही थी जो इनर मेम्ब्रेन है वो एनक्लोज करती है न्यूक्लियो प्लाज्म को और जो क्रोमाटिन मटीरियल को मतलब अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है उसके अंदर न्यूक्लो प्लाज्म न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को ही न्यूक्लो प्लाज्म कहा जाता है और वहाँ पर क्या मिलेगा क्रोमाटिन मटीरियल मिलेगा दस इस फाइनली क्या कह करें सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए सेल क्या है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की तो यहाँ पे हमने पूरी समरी भी कंप्लीट कर ली इससे हमारा चैप्टर भी रिकॉल हो गया और कुछ पॉइंट्स हमें ऐसे भी मिले जो हमने चैप्टर में नहीं पढ़े तो जैसे कि ई ER क्या करता है ग्लाइकोजन का भी सिंथेसिस कराता है और यहाँ पे जो क्या बोला गया है कि हाँ कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होती है लाइट रिएक्शन कहा हो रही है ग्रैना में और डार्क रिएक्शन क्या हो रही है हमारी स्ट्रोमा में और माई, और किस में हेल्प करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिससे हमने पढ़ा था साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन और इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है माइक्रोकॉन्डिया की तो यहाँ पे ये पूरी समरी भी कंप्लीट हो गई हमारे यहाँ पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है सेल वाला अब जब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसके पी वाई क्यू के साथ उसमें हम इसके पी वाई क्यूज डिस्कस करेंगे जो जो जैसे हमने इकोलॉजी वाले चैप्टर के भी पी वाई क्यूज डिस्कस करे थे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है पी वाई क्यू जब तक पी वाई क्यू डिस्कस नहीं करेंगे तो क्या ही पता चलेगा कि कितना में चैप्टर में आया और हमारा ये पार्ट भी रह गया था साइंटिस्ट वाला इसे भी कवर करते हैं डी एन रामाचंद्रन एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कहा था प्रोटीन के स्ट्रक्चर में वॉज द फाउंडर ऑफ़ द मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायो इन्होंने क्या करा था ये कहाँ के फाउंडर थे मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायो के वहाँ के फाउंडर थे

कि जो प्रोटीन वगैरह हैं और इनका यूज़ किया गया रामचंद्रन प्लॉट का यूज़ करके गया उनको रैंक दी गई और मोस्ट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इनका स्ट्रक्चर बायोलॉजी में मतलब बेसिकली जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर में कि कैसा होता है कैसा दिखता है उसमें उन्हें कंट्रीब्यूट करा ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 8, 1922, इन अ स्मॉल टाउन नॉट फार फ्राम द कोचिंग ऑफ द साउथ एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया

ही रिसीव द पी एच डी फ्रॉम द कैमब्रिज यूनिवर्सिटी इन नाइन फोर्टी नाइन इन्होंने पी एच डी करी नाइनटीन फोर्टी नाइन में कैम्रिज यूनिवर्सिटी से वाइल लाइट जब वो कैम्ब्रिज पे थे तो रामचंदन मैट लाइन इज एंड वॉज डीपली इन्फ्लुन्स बाय हिस पब्लिकेशन ऑन द मॉडल्स ऑफ एल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर दैट डायरेक्टेड अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज अब देखो क्या था ये एक फिजिशियस थे मतलब फिजिक्स वाली इनकी फील्ड थी मैथमेटिक्स वाली फील्ड थी लेकिन इनका इंटरेस्ट कैसे आया जब इन्होंने अपनी पी एच डी कम्प्लीट करी पी एच डी करी तो वहाँ पर इन्होंने किसी की पब्लिकेशन से इन्फ्लुएंस हुए जिसमें प्रोटीन के दो स्ट्रक्चर्स पड़ते थे ना एल्फा हेलिक स्ट्रक्चर बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर जिसके वजह से और कौन थे वो लीनस पॉलिंग का था उनकी पब्लिकेशन थी जिससे वो इंस्पायर हुए और जिसने इन जिसके वजह से ये कहाँ मोल्ड हुए कि मुझे किसका स्ट्रक्चर सॉल्व करना है कोलेजन का स्ट्रक्चर सॉल्व करना है तो इन्होंने वहाँ से इनको क्या मिला मोटिवेशन मिला फिर इन्होंने इसका स्ट्रक्चर सॉल्व करा कोलेजन का पब्लिश करा हेलिकल स्ट्रक्चर बताया कैसा होता है ही पास हुए एट द एज ऑफ सेवेंटी एट और अप्रैल सेवन टू थाउजेंड वन तो ये थे जी एन रामाचंद्रन इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ये था हमारी फील्ड में तो यहाँ पे अब ये हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया स्टार्टिंग फ्रॉम द साइंटिस्ट टिल द समरी अब इसको पूरा एक बार अच्छे से रीड आउट करना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम उसको पूरा पढ़ो स्टार्टिंग टू टेल एंड जहाँ पे जो भी डाउट आए माइनर से कैसा भी ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी डाउट पूछना चाहिए कि सिली सा है कोई क्या कहेगा नहीं तुम्हारा डाउट है तुम पूछो उस चीज़ को तो जो भी डाउट आए उसको मैंशन कर देना कमेंट में आई ट्राई टू सॉल्व इट मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके पी वाई क्यू के साथ तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय